welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Akansha and I'm vlogging today because I just love vlogging. So happy Diwali to all of you. आज दिवाली और ये रहा मेरा दिवाली का vlog. So hope आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी. वीडियो कैसे लगी ये कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाइए एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वीडियो को लास्ट तक देखिए. मैं भी आप लोग से वीडियो खत्म होने के बाद गाइस हमारा पूरा घर खाली हुआ है क्योंकि कल घर में पेंटर्स आ रहे हैं और घर पेंट होने वाला है. ये सारी चीज़ें कुछ बाकी है जो बाद में छत पे पहुंचाई जाएगी. और गाइस आज डे टू और घर पर आ गए. गाइस मैं सारा सामान ले आई हूँ जो रूम में मुझे लगानी है वापस सेट करनी है. और बरांडा का काम जितना भी था वो हो गया. कलर ये हो गया. कैमरे में अलग लाइट कैमरे में अलग कलर लग रहा है पर रियल में ऐसा कुछ है. रियल वाला भी रियल नहीं लग रहा है. और इस रूम का सारा काम हो गया है कलर वगैरह. यहाँ पे थोड़ा सा गंदा टाइप का लग रहा है. ये वाला इधर सूखा नहीं है इसलिए हो गया बहुत ज़्यादा. कुछ दिनों पहले मैंने ये मंगाया था जो मुझे आज रिसीव हुई है धनतेरस वाले दिन. सो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को कि इसके अंदर क्या है. और आज है धनतेरस. सो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू. सो इसको लगा लेते हैं जल्दी से और दिखाते हैं आप लोगों को. ये चाची के घर की लाइटिंग लग चुकी है. गाइस ये रहा था उसका फोन जो हमने धनतेरस पे लिया है. गाइस हम लोग खरना वाले दिन फ्यूज़ का बर्थडे का केक काट नहीं सकते थे. सो हम लोग ने सोचा कि आज ही काट लेते हैं क्योंकि आज इसका नकली वाला बर्थडे है. घरकुंडा बन के रेडी हो चुका है. ये हम लोग हर साल बनाते हैं छोटे से ही हम लोग दिवाली पे ये बना रहे हैं. और पहले तो रूपा दी बनाती थी मेरी बड़ी वाली दीदी पर अब तो वो ससुराल चली गई है. सो अब मैं बना रही हूँ दो चार साल से जब से वो गई है. थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है बट काम चला हुआ है. मैं आज बना रही हूँ ये पहली बन जाती है पर घर कलर हो रहा था तो मुझे टाइम नहीं मिला. सो मैंने आज बनाया है. सो गाइज जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाइए एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. मैं मिलती हूँ आप लोग से कल सुबह. तब तक के लिए बाय. अभी बच्चे पे सुबह के 11 और मैंने सारी डेकोरेशन कर दी है. सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जल्दी से कि डेकोरेशन कैसे है.
नहा के रेडी, और ये रहा मेरा सुबह का लुक, और ये रहे माधव। मैं माधव को दिखा देती हूँ। सो ये रहे माधव, और माधव शाम में पहनेंगे दूसरे कपड़े, और अभी इन्होंने यूँ ही पहना है, पर अभी थोड़ा सिंपल रखा है क्योंकि पूरा दिन माधव पहनते नहीं ऐसे। हैप्पी दिवाली गाइस। ये रहा हम लोग का हॉल, मुझे हॉल बहुत प्यारा लग रहा है। सो ये वाला एरिया हमने सजाया है क्योंकि हम लोग शाम में रेडी होंगे तो फोटो खिंचा सके। अभी मैं जा रही हूँ वो जो मैंने घर कुंडा बनाया था उसे पेपर लगाने। वैसे तो हम लोग पेंट करते थे जब छोटे थे, तो फिर हम लोग बहुत साल से उस पर पेपर ही लगा रहे हैं। वो पेपर लगाना बेस्ट होता है, और कलर करने से होता है कि सूखता भी नहीं है। तो मैं जल्दी से पेपर लगा लेती हूँ और दिखाती हूँ आप लोग को क्या क्या हो रहा है पूरे दिन। हैप्पी दिवाली गाइस। मेरा घर कुंडा बन के रेडी हो चुका है, और इसमें मैंने पेपर भी लगा दिया है। तो गाइस ये रही पूरी रंगोली जो मैंने बनाई, और ये रही पूरी डेकोरेशन जो मैंने आपको दिखा दिया। सो अब मैं रेडी हो जाती हूँ जल्दी से क्योंकि शाम के 6 बज चुके हैं और पूजा भी करना है। मैं हो जाती हूँ रेडी, और मुझे अभी लगी है भूख, तो मैं कुछ खा लेती हूँ उसके बाद मैं बना। मैं हो जाती हूँ रेडी, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइस मैं आप लोग को कुछ कुछ खाना दिखा देती हूँ जो अभी तक बन के रेडी हो चुका है। अभी कुछ कुछ बाकी है बनना, जैसे पूड़ी पुलाव ये बाकी है। सो मैं दिखा देती हूँ आज क्या क्या। ये रही आटे की, रही पनीर की सब्जी, रहा छोला, और ये बन रहा है पूरी तड़के वाली दाल, पनीर की सब्जी, छोले की सब्जी और पुलाव, ये आज का मेन्यू। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, और ये है मेरा दिवाली का आउटफिट। ये मैंने पिछले बार छठ में लिया था, मतलब मेरे जीजू ने मुझे बर्थडे पर दिया था, और ये मैंने पिछले साल छठ पे पहना था, और इसे मैं आज पहन रही हूँ। सो ये रहा मेरा लुक। एंड आज मैंने कर्ल करने का भी ट्राई किया, थोड़ा बहुत हुआ है, यू कैन सी थोड़ा बहुत हुआ है, और मुझे आती नहीं है इतनी, तो मुझसे हुआ नहीं। सो ये रहा मेरा थोड़ा थोड़ा कर्ल। मुझे 1 घंटा लगा इतना सा के लिए। कैन यू सी, मुझे इसे ही करने में 1 घंटा लगा है, और मैंने एक बार किया फिर वो ख़राब हो गया, उसके बाद मैंने दोबारा इसे किया। सो देखते हैं, और ये रहा मेरा दिवाली लुक। सो हैप्पी दिवाली। मन नहीं धड़काता, ओम जय लक्ष्मी माती जाता। गाइस मेरे छोटे वाले चाचा की दुकान की पूजा हो चुकी है, और अब होगी इस बड़े वाले चाचा की दुकान में पूजा, उसके बाद होगी हम लोग की दुकान में पूजा। सो मैं तो हो चुकी रेडी, और मेरा कर्ल हो चुका ख़राब। मेरे 2 घंटे की मेहनत है ये, क्योंकि ख़राब हो चुकी है और अब इसका कुछ नहीं हो सकता। ओह माय गॉड लुक एट दिस, ये भी ख़राब हो चुकी क्योंकि मैंने पंखा ऑन करके छोड़ दिया था, तो मैं इसको लगा लेती हूँ थोड़ी देर में। गाइस मुझे भूख लग चुकी है, और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। मैंने खाया है दोपहर में, खाया है पर सिर्फ एक ही बार खाया पूरे दिन में, तो मुझे अभी भूख लग चुकी है, और अभी तो पूजा खत्म होने के बाद ही खा सकते हैं। बट आज इतना टेस्टी टेस्टी खाना बना है कि मुझे ज़्यादा ही भूख लग रही है, क्योंकि तो मुझे पता है क्या, नॉर्मल खाना बने ना तो मुझे इतनी भूख नहीं लगती, पर अगर टेस्टी खाने मिल जाए मुझे
भाई साहब मेरा तो पेट कुआं बन जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बहुत खाती हूँ, अगर कुछ अच्छा खाना मिल जाए मैं बहुत खाती हूँ। मुझे मोमोज बहुत पसंद है, मैं मोमोज बहुत सारा खा सकती हूँ, पर मुझे खाने मिलते नहीं है। ये राज का कान्हा जी का भोग। यहाँ पे तैयार है दिए, बस में बस तेल डालनी है और इसे लगा देनी है। तूफानी दिवाली मनाने जा रहे हैं। जी हाँ, आज तूफान चल रहा है, बस देख रहे कि दिल लगते कि नहीं। चैलेंज नहीं, चल स्टार्ट कर, फटाफट सिलेटे के ऊपर रखो ना। गाइस हम हार गए, गाइस हम लोग हार चुके गाइस।
108 दिवाली पूजा सफल हो कार्यक्रम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। को मेरी वीडियो पसंद आए, वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली अगेन।